मेरा नाम हाजी गुलाम अब्बास है, मैं इस होटल का मालिक हूँ। होटल का नाम हिमालय हमने इसलिए रखा क्योंकि हम हिमालय के ही दामन में हैं। आप देखें, ये पूरा सिलसिला जो है, ये पहाड़ी सिलसिला जो है वो हिमालय का है। और सितमदरी भी ये था कि आज तक हिमालय के नाम से कोई होटल नहीं था, तो मैंने फैसला किया इस का नाम जो है हिमालय रखेंगे। और अल्लाह के बल से हिमालय अच्छा एट्रैक्टिव नाम हो गया और लोगों ने भी बड़ा पसंद किया। मेरा एक शौक़ था कि एक होटल बनाएं। उस शौक़ के आगे एक अंतर ये भी था कि हम बेसिक बल्तिस्तान वाले जो है बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज लोग हैं। किसी मेहमान को आते देखकर खुश होते हैं, किसी को खिला के खुश होता है, किसी को बिठा के उनसे बातें करके बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो मेरा होटल बनाने के सारे बाकी उसके अलावा ये भी एक अंसर था। मेरे पास इस वक्त 16 रूम हैं, इसमें 4 VVIP रूम्स हैं और बाकी जो है डिलक्स रूम्स हैं। रूम जो है इतने अच्छे हैं कि मुझे पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान का कहना यह था कि ये रूम्स जो है किसी भी तरीके से PC होटल के कमरे से कम नहीं है। और मैंने इसका रेट इतना मुनासिब रखा है, इतना मुनासिब रखा है, लोग खुद हैरान हो जाते हैं। इसका व्यू जो है आप देखें, इसका सामने इसका कूल डिज़र्ट है, फिर नीचे आए आप इसका दरिया नज़र आते हैं, यहाँ से एयरपोर्ट पे जहाज़ लैंड करते हुए नज़र आते हैं, यहाँ से बहुत बड़ा नज़ारा है, चुंदा तक आप देख सकते हैं। और सामने ये हुसैनाबाद का नाला है, यह भी बहुत हसीन और जमील नाला है। फिर इसका दूसरा खसूसियत ये है, ये संगम पे है, यहाँ से शिखर जस्ट 10-15 मिनट के फासले पर है। कूल डिज़र्ट जो है वो सिर्फ 6-7 मिनट के फासले पर है। यहाँ से जो मंठों का फाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के सफ़र पर है। और यहाँ से थले जाओ, खपलू जाओ, तो ये बिल्कुल ही संगम पे हम खड़े हैं। और स्कर्दु शहर से जस्ट 5-6 मिनट के फासले पर है। मेरे पास कोई 72 कनाल का रकबा है और ये सारा प्लेन एरिया है और इसमें हर किस्म के फ्रूट हैं। ये ऑर्गेनिक सब्ज़ी है, इसमें किसी किस्म का कीमियावी खाद इस्तेमाल नहीं होता है और सिर्फ देसी खाद इस्तेमाल होता है। देसी तरीके से इनका वो देखभाल होता है। इसमें 2 लड़के सिर्फ और सिर्फ ये सब्जियों के देखभाल के लिए है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये बीज जो है मैंने ऑर्गेनिक तरीके से इसका बीज पैदा किया है ताकि आइंदा साल सब्जी के लिए इसको इस्तेमाल कर सके। मैं ये समझता हूँ कि कीमियाई कोई भी चीज़ इसमें इस्तेमाल ना हो। बीज भी यहीं से पैदा कर रहे हैं और सब्ज़ी भी यहीं से पैदा कर रहे हैं। अब आप देखें, ये टमाटर जो है इतना होता है कि हमारे होटल के रिक्वायरमेंट पूरे होकर बच भी जाते हैं। उसके अलावा सर, हमारे पास इतने फ्रूट्स हैं, कोई 122 दाना हमारे पास चेरीज हैं, शहतूत हैं। सर, खुबानी के दरख्त कोई 150 दाना है। इसमें से मैंने बहुत किस्म के वैरायटी लाए हैं, कोई यासीन से लाया है कुछ वैरायटी, कुछ खुंजा से लाया है, कुछ गिलगित से लाया है और हमारे बल्तिस्तान के जो नामी ग्रामी वैरायटीज है सब ये मैंने लगाया हुआ है। और यह काफ़ी तादाद में अल्लाह के फजल करम से फल दे रहे हैं और हमारे जो मेहमान हैं वो मुस्तफीद हो रहे हैं और उन्होंने बड़ा पसंद किया खुबानी के टेस्ट को। मेरा एक दोस्त चाइना जा रहा था, उसने मुझे कहा जी आपके लिए क्या लेकर आऊँ, तो मैंने कहा जी मेरे बाग के मुनासिबत से आप जो चीज़ लाना चाहे लाए। वहाँ से टहनियाँ लाए था अंगूर के बहुत सारे, उसमें से सिर्फ एक लग गया जो यहाँ लगा हुआ है और इसके दाने इतने मोटे हैं जो चाइना से इंपोर्ट होकर आते हैं वही वो ये लगा हुआ है। वो ससपलो है, ये पारी का सेब का दूसरा नस्ल है, ये भी बड़ा मीठा सेब है। इसको हमने पारी से अब इसका पौधे ला के इधर लगाया और अलग से कामयाब हो गई। और ये सारा सिलसिला, इनमें से किसी को भी मैं कीमियाई खाद इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ऑर्गेनिक तरीके से इसका देखभाल करता हूँ, चश्मे का पानी इसको देते हैं। ये चीज़ें जो है सेहत के लिए भी अच्छा है, हमारा अपना एक शौक भी है ताकि हम लोगों की खिदमत करें, कोई अच्छी चीज़ है। बाकी चीज़ें तो हर जगह मिल जाता है लेकिन हमारे पास अल्लाह के फजल करम से ये चीज़ें दस्तियाब है, ये कहीं आपको और नहीं मिलेगा जो ऑर्गेनिक तरीके से पैदाशुदा चीज़ें हैं। उसके अलावा
ہمارا جو ایریا ہے باغ, اس میں ہم نے ٹریکنگ بھی بنایا ہوا ہے. جو جاگنگ کرنا چاہے تو یہ 70 کنال کا ایریا ہے, اس میں آپ جاگنگ کر سکتے ہیں, اچھا اپنا ورزش کر سکتے ہیں. یہ جو میرا جو محنت ہے اس کو لوگوں نے پسند کیا, خاص کر آرگینک قسم کے سبزی, جو آلو ٹماٹر اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ خود آتے ہیں یہاں سبزی چنتے ہیں, جا کے کک کو دیتے ہیں, جی یہ ہمارے لیے بناؤ, تو یہ میرے لیے باعث فخر ہے. اس کے علاوہ میں نے یہ کیا, یہ سامنے ہمارا نالا ہے, اوپر ہمارے اسامیہ وہیں بیٹھتے ہیں, ان کا کام صرف اور صرف مویشی پال ہے اور تھوڑا سا کھیتی باڑی ہے. تو ان سے میں نے کنٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ یہ ہمیں روزانہ کے بیسس پر جو ہے بکرے اور دمبے مہیا کریں, ہم اس آرگینک اس کے ساتھ ساتھ ان کو دیسی جو ہے مٹن دے دیں, تاکہ ہمارے اس کا جو ہے مزہ دوبالا ہو جائے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے سر, ہم ڈیلی جو یہاں پر تازہ گوشت نکالتے ہیں وہ بھی دیسی ہے, تو یہ بھی اللہ کے فضل سے بڑا اچھا کامیاب تجربہ رہا سر.